नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार का इस ग्लोबल पैंडमिक बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया है, जाइए ना चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा जिसको कि मैं कहता हूँ क्लासिक एग्जाम्पल है बायर रिमोर्स का, जो कि रियल स्टेट में। तो बायर रिमोर्स क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदना बहुत बड़ा इवेंट होता है किसी की भी लाइफ में, करेक्ट? बहुत लोग ये अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही अचीव कर पाते हैं। ऐसे में आपको लगता है ख़रीदने के बाद, यार हमने कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, हमने वो नहीं खरीदा जो हमको लेना चाहिए था, या हमने शायद जल्दबाजी कर दी, बहुत सारे से ख्याल आते हैं। तो अभी का समय दोस्तों ये है सिचुएशन है कि प्राइस पिछले कुछ टाइम से गिर रही है, मैंने फरवरी में जब पीक पे थी उसके बाद से अभी सिग्निफिकेंटली गिरी है प्राइस। अभी भी बहुत हाई है लेकिन गिर रही है। तो मान लीजिए आपने फरवरी में कोई टाउन हाउस खरीदा 1 मिलियन में, आज उसी नेबरहुड में अगर डिटैच हाउसेस उसी साइज़ के बिकने लगे सेम प्राइस में, तो आपको रिमोर्स तो आना ही है ना। तो वही एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है। इसने देखिए कि वो कह रहा है कि उसने 1.5 मंथ्स हुआ उसने खरीदा है एक घर और क्लोजिंग इसी मंथ है, बट उसको ये फर्स्ट टाइम बायर रिमोर्स हो रहा है। और वो नेचुरल है, इसमें मैं कुछ अगर वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं और वो लोग स्ट्रेसफुल टाइम स्पेंड करें क्योंकि उसी नेबरहुड में उसी प्राइस में अब डिटैच हाउसेस मिल रहा, तो उनको लग रहा है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपने ड्रीम हाउस पर। तो ये नेचुरल है दोस्तों, बट जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है, अगेन मैं कोई रियल स्टेट प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो अगर आप कुछ भी ले रहे हैं मेरे एनालिसिस से तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि रियल स्टेट में ये होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में प्राइस इंक्रीज़ करती है, थोड़ा बहुत मैंने वेव्स आते जाते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम